तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हम सब जानते हैं। मैं इस विध्वंस की उस करुण गाथा को भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आपको अवश्य ही विचलित करेगा। हमारे राजस्थान प्रदेश में माननीय हमारे गवर्नर साहब यहां पर विराजे हुए हैं, इसलिए मैं आज ये बात रखना चाहता हूं। हमारे राजस्थान प्रदेश में ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में तीर्थ गुरु पुष्कर के निकट एक संस्कृत विद्यालय था, ये ऐतिहासिक सत्य है कि इसका निर्माण महाराजा विग्रहराज चौहान द्वारा सरस्वती कंठाभरणम नामक संस्कृत विद्यालय के रूप में किया गया था। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर मोहम्मद गोरी के आदेश पर गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया। मोहम्मद गोरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद अजमेर में स्थित इस संस्कृत सुंदर संस्कृत महाविद्यालय में रद्दबल करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। इसका प्रमाण है अजमेर में ढाई दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाई ओर लगा संगमर का एक शिलालेख जिस पर संस्कृत विद्यालय का उल्लेख है। इसकी दीवारों पर विग्रहराज चौहान द्वारा विरचित हरकेली नामक संस्कृत नाटक के साक्ष आज भी ऐसे देखे जा सकते हैं जो इसके संस्कृत पाठशाला होने के साक्षी हैं। इस मालिक दास्ता के कलंक से मुक्त के दिन अब आ गए हैं। विकसित भारत में हम सभी आज शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को समूल उखाड़ कर फेंकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के महान नेतृत्व में भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। वे दिन दूर नहीं जब ढाई दिन के झोपड़े में फिर संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे। जो सरकार है, इस सरकार में जो बड़ी बड़ी बातें और डींगबाजी ये करते हैं, चुनाव से पहले भी बहुत डींगे मार रहे थे बीजेपी के नेता। कोई कह रहा था गांव बदल देंगे, शहर का नाम बदल देंगे, मार्ग बदल देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि पेट्रोल में 12 और 13 रुपए कम कर देंगे। पहले पेट्रोल डीजल के 12 और 13 रुपए कम तो करवा दो, और अपना हिसाब किताब 25 MP पहले जीत कर गए थे। तोड़फोड़ की बात करते हैं, कुछ बनाने की भी बात करती है कि बीजेपी से तोड़ने की बात करती है, और बीजेपी में दम चाहिए। अब ये जिन MP साहब ने कहा ना, आप दम दिखाना, पूछ कौन रहा उनको, उनकी सरकार पहले उनकी खुद की सरकार से बात कर ले, पहले प्रधानमंत्री जी से जाकर। क्या प्रधानमंत्री जी देश में जो 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 1000 बरस पहले, 500 बरस पहले कुछ भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए, तो उनको तोड़ना चाहते हैं क्या? तो फिर तो पूरी दिल्ली टूट जाएगी। फिर तो आप कह दोगे हम तो दिल्ली का लाल किला भी तोड़ेंगे। फिर ये भी कह देंगे ना, फिर दिल्ली का लाल किला भी तोड़ देंगे। तो दिल्ली के लाल किले पर तो सारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। तो इस देश को आप हिंदू और मुसलमान में बांट कर नहीं देख सकते। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? फिर आप ये कह देंगे बीजेपी वाले लाल किला तोड़ेंगे, तोड़ देंगे बीजेपी वाले लाल किला। इसलिए मैं जो MP साहब हैं उनसे कहूँगा आप तोड़ कर दिखाइए, हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, आप तोड़ के दिखाइए, हम भी तो देखें आप में कितनी ताकत है। मैं इनकी ताकत देखना चाहता हूँ, बीजेपी वालों की राजस्थान में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। एक MP ने इतनी बड़ी बात कही है, हम चुनाव हार के मान लिया, धन्यवाद आपकी जनता ने जो हमें मैंडेट दिया, हमें बहुत दर्द है, लेकिन हम भी तो देखें इनमें कितनी ताकत है, ताकत भी तो होनी चाहिए ना। फिर आज तो ये कह रहे हैं कि हम ढाई दिन का झोपड़ा तोड़ देंगे, फिर कहेंगे हम लाल किला तोड़ देंगे। अब क्या क्या तोड़ सकते हो तोड़ के दिखाइए बीजेपी वालों को, बनाया तो इन्होंने कुछ नहीं, अब क्या तोड़ सकते हैं वो भी देख लेते।